हो गया था दिमाग में कि यही मेरी हम सफर है। अरे यही रिएक्शन था। ये कपिल शर्मा को क्या हो गया है? कॉमेडी बनानी थी, खिचड़ी बना दी है। यार इतने अच्छे गेस्ट हो किसी के पास और फिर वो और ज्यादा एक्स्ट्रा लोगों को भरने के क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और ये दो जो गेस्ट थे, उनके पहले गेस्ट सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, जब ये पहले आए थे कपिल शर्मा के शो में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, एक तो पहली बात कि इतनी कॉमेडी होगी। और जब वो आए, सब लोग को लगा कि बहुत ही क्यूट थे, होलसम थे और फनी भी थी, और सुधा मूर्ति का जो ह्यूमर था वो भी सबको बहुत पसंद आया था, और मजे आ रहे थे उनकी बातें सुनने में, उनकी स्टोरी सुनने में। और तब तक एपिसोड ठीक चल रहा था, मुझे लगा वाह यार कपिल शर्मा अब सुधर गए, बहुत बढ़िया बना रहे क्या कॉमेडी कर रहे, एकदम बढ़िया एपिसोड बन रहा है। फिर उन्होंने बुलाया जोमैटो के दीपिंदर गोयल को और उनकी बीवी को। वहां पर मुझे लगता है कि खिचड़ी इसीलिए बन गई क्योंकि दो दो लोग, अगर ये सेपरेट भी होता तो भी एक बार को हम बर्दाश्त करते, बट नारायण मूर्ति एंड सुधा मूर्ति जी ये इतने बढ़िया गेस्ट हैं, इतने बढ़िया स्पीकर हैं कि लोग उन्हें सुनना चाह रहे थे और वो कॉमेडी खुद ही कर रहे थे, उनकी बातों में इतना ह्यूमर था, इतने मजे की बातें कर रहे थे कि लग रहा था यार आप बस इन्हीं को रहने दो, इन्हीं की बातें सुननी है क्योंकि कमाल बातें हो रही है। और इतना एफर्ट भी नहीं लग रहा था, जैसे पहले कपिल शर्मा लेकर आते हैं एक्ट लेकर आएंगे अपना, फिर कोई कैरेक्टर आएगा, ये सब आएगा, इसमें जरूरत ही नहीं थी, बहुत नेचुरल। और जो उनके किस्से कहानियां थे वो ही सुनकर इतना मजा आ रहा था, और जो ऑडियंस वहां पर बैठी हुई थी ना वो लोग भी एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो कभी कभी लगता है कि वो भी स्क्रिप्ट ही कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आवाज लगा दे रहे हैं। अर्चना पूरन सिंह तो बोल ही चुकी है कि मैं फेक लाफ करती ही हूँ इस शो के अंदर, तो मतलब ऑडियंस के रिएक्शन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर दीपिंदर गोयल आए और फिर हमें लगा कि चलो ठीक है, नॉर्मल कपिल का शो है नेटफ्लिक्स पे, ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, पर वो भी उनसे जोक कर लेंगे, वो भी ठीक था। फिर आया एक और बंदा, कितने बंदे लेकर आओगे एक ही एपिसोड में? नीरज गोयल को वो लेकर आया जो है बॉक्सर, और वो बिग बॉस में भी आ चुके हैं। यस, और यहाँ पर ये जो चार तीन एक्स्ट्रा और लोग हो गए ना, उनकी वजह से ऐसा लग रहा था कि सबके पास सेम सेम टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वहां पर जो पहले से ही नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी बैठे हुए थे, उनकी बातें ही ऐसा लग रहा था कि उन्हीं को और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए था। फिर जैसे ही और बाकी लोगों की एंट्री हुई, वो टाइम डिवाइड हो गया और उसमें उतना फन नहीं मिल पाया, बिल्कुल नहीं मिल पाया। और पहले पार्ट ऑफ द एपिसोड में ऐसा लगा था कि कपिल शर्मा का जो कोर ह्यूमर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है कि अच्छी कहानियां निकलवाना लोगों से, उनकी किस्से निकलवाना लोगों से, और फिर उसमें कॉमेडी ढूंढना, वो एक्चुअली हो भी रहा था। और कपिल शर्मा भी थोड़े रिस्पेक्टफुली आराम से बैठे हुए थे, ज्यादा उंगली नहीं कर रहे थे कि ये कैसा होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल सवालों में हंसी निकल रही थी, बहुत ही नेचुरल, बहुत ऑर्गेनिक था उस टाइम तक। लेकिन उसके बाद में ऐसा लगा कि वो कॉन्सेप्ट फॉलो करने लगे हैं कि हाँ ठीक है हमारे शो में ये गेस्ट आएंगे, और उसके बाद जबकि अगर आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग और इतने बढ़िया गेस्ट हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को बुला करना उस शो की को खराब नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल बोलने वाली थी शो की आगे कुछ ऐसे निकल रहा था गंदे शब्द, पर मैंने रोक लिया अपने इमोशंस को। अब आते कैरेक्टर से बात करते हैं, जैसे उनका डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन चल रहा है, पर अब हम वो कितनी बार वही जोक सुने यार, कितनी बार वो ही सेम ह्यूमर वो लेकर आएंगे और कितनी बार उस पे हंसना पड़ेगा हमें। वही जब वो पहली बार आए थे तो फर्स्ट, बल्कि दो बार इनफैक्ट, वो बढ़िया लगा, मुझे बड़ा मजा आया, बल्कि दोनों के ही, कृष्णा और जो ये कीकू है, दोनों की एक्टिंग, दोनों के प्रोस्थेटिक मेकअप, सब कुछ इतना बढ़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यार ये कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन उसको रेपिटेटिव हो गया ना इतना ज्यादा, तो अब बहुत और इवन डफली, मतलब सुनील ग्रोवर यूजुअली एक इंसान है जो पूरा शो अपने कंधे पे लेकर चलते हैं, और उनकी वजह से हर जो छोटा सा सेगमेंट व्यू करते हैं बढ़िया हो जाता है, पर इससे मुझे सुनील ग्रोवर का भी ऐसा लगा कि वो भी खींचते जा रहे हैं, उनको भी करना पड़ रहा है ये। फिर आता है गेम्स वाला सेक्शन जिसमें उन्होंने गेम्स खेले, और वो मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लगा क्योंकि जैसे ही वो रिंग फेंकते थे क्लोजअप शॉट आता था और बाहर से कोई डाकेट रख देता था वो। और यहाँ पर ये फिर भी चलो एक शो के लिए मान लेते हैं कि इन्होंने किया होगा ऐसे, लेकिन जो कैरेक्टर्स आपके हैं, जैसे तुम डफली की बात कर रहे हो, पहले जब टीवी पर आता था ये शो तो गुत्थी इतने लंबे टाइम तक चला, एंड डॉक्टर गुलाटी वाला कैरेक्टर इतने लंबे टाइम तक चला, उनसे हम बोर नहीं हुए। अब ऐसे क्यों हो रहा है कि डफली अगर आ रही है, या फिर वो जो उनका दूसरा कौन सा है, चुंबक लाल वो जब आते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार अब कुछ और लेके आओ, इसमें ना बोर हो गए। इनफैक्ट गुत्थी ने नॉर्मलाइज कर दिया कि अगर एक बंदा बंदी बन रहा है फॉर कॉमेडी, इट इज ओके
और उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं लोग यार कि कितनी बढ़िया बात है कि ये अच्छी कॉमेडी कर रहा है ये। पर कपिल शर्मा तो खुद ही मानते हैं कि उनके शो में ज्यादातर जो मर्द है वो औरत के गेटअप में ही आते हैं। वो असेंबल्ड है इन हिज ओन वर्ड्स। बट एक प्रोमो आया है जिसमें हमने देखा कि सिद्धू वापस आ गए। यस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या अब अर्चना पुरन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा देंगे कपिल शर्मा? मुझे लगता है दिखा देना चाहिए, क्योंकि अर्चना पुरन सिंह हंसती हैं, थोड़ी बात कर लेती हैं गेस्ट से, पर जैसे सिद्धू की पंचेस होती थी, जैसे इनकी शायरी होती थी, फिर वो ठोको डाली उनका आइकॉनिक। एग्जैक्टली, जो सिद्धू पाजे थे उनका ना खुद का भी कुछ इनपुट होता था, खुद की भी बातें, खुद की भी पंचेस, और कोई ना कोई किस्से कहानियां उनके पास भी निकल आते थे। बट अर्चना पुरन सिंह, ऑल शी कैन डू इज फेक लाफ्टर है उनका। तो इस वाले एपिसोड में तो हमें ऐसा लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने का स्कोप था, पर क्योंकि इतने लोग घुसा दिए, इतनी खिचड़ी बना दी, उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं और है। स्टार्टिंग में वो रहा, लेकिन बाद में लोगों के आने से वो मजा खराब हो गया हमारा। अगर सिर्फ इन दो लोगों को रखते तो शायद ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड से काउंट हो सकता था। बिल्कुल बनता। और जैसे लास्ट एपिसोड में भी ये कार्तिक आर्यन के साथ नवदीप सिंह को ले आए थे, अगर तुम्हें बुलाना है स्पोर्ट्स का एपिसोड अलग से करो ना, यहाँ बीच में मत घुसाओ ये सारे लोग। और कभी कभी समझ आते हैं, क्योंकि जब कोई फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं तो उनकी स्टार कास्ट है, फिर कभी कभी प्रोड्यूसर को बुला लेते हैं, किसी के डायरेक्टर को बुला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही ऐसा लग रहा था इनफ है अपने आप में, और लोगों की जरूरत नहीं थी। बट ठीक है, आगे से ऐसा मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है अगर आप हमारा शो देखते हैं तो। बट अब देखने वाली ये बात है कि सिद्धू वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो अर्चना का क्या रिएक्शन होगा, और क्या आप चाहते हैं? बिल्कुल, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सिद्धू को आ जाना चाहिए वापस और अर्चना जी को कर देना चाहिए रिप्लेस, या आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया। और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।